स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू स्टैंडर्ड 5th, चैप्टर नंबर 10th, हमारे उपयोगी वृक्ष। आज हम आगे का टॉपिक देखेंगे। हमारे उपयोगी वृक्ष, अब तक हमने देखा सबसे पहले नीम वृक्ष के बारे में कि नीम वृक्ष से हमें क्या क्या फायदे होते हैं और वो हमें किस तरह उपयोग में आते हैं। उसके बाद हमने देखा पीपल का वृक्ष कि पीपल के वृक्ष से हमें क्या फायदे होते हैं और वो हमें किस तरह उपयोग में आता है। अब हम आज देखेंगे बरगद वृक्ष के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बनियन ट्री के नाम से भी जानते हैं और गुजराती में उसे वड वृक्ष के नाम से जानते हैं। तो चलो आओ देखें बरगद वृक्ष के बारे में। बरगद के पेड़ ग्रामीण जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये बरगद का जो वृक्ष होता है ना, वो ग्रामीण जीवन मतलब जहाँ विलेज होते हैं ना, वहाँ उसका बहुत ही महत्व दर्शाया गया है। इसकी छाव में ही गांव का पवित्र देवस्थान बना होता है। ये बरगद का जो वृक्ष होता है ना, बहुत ही जायंट, बहुत ही फैला हुआ होता है और उसके नीचे ही गांव में पवित्र देवस्थान मतलब वहाँ पर मंदिर बना हुआ होता है। इसकी छाया में ही गांव की चौपाल जुड़ती है। यहाँ चौपाल का अर्थ बताया गया है कि एक ऐसी जगह कि जहाँ शाम को सब लोग एक साथ मिलकर बैठ सके। तो इसकी छाव में गांव की चौपाल जुड़ती है मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनका घर में पूरे दिन टाइम नहीं जाता है, तो वो उनकी जगह शाम को फिक्स होती है, मंदिर है या ऐसी कोई वृक्ष है या ऐसा कोई गार्डन है कि वहाँ उन लोगों ने जगह फिक्स की है कि भाई एवरी इवनिंग कि हर शाम को यहाँ आकर बैठेंगे, कुछ देर प्रभु सत्संग करेंगे, कुछ अपनी बातें करेंगे, फिर इस तरह टाइम हम निकालेंगे। तो गांव में तो क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े गार्डन नहीं होती है, वॉकिंग एरिया नहीं होता है, तो उनकी तो जगह फिक्स ही है कि ये जो बरगद का वृक्ष होता है उसके नीचे ही भगवान का मंदिर होता है, तो वहाँ ये सब मिलने के लिए आते हैं। इसी पंचायत में गांव के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं। बरगद का वृक्ष ऐसा है कि वहाँ इतना बड़ा कि एकदम वहाँ फैली हुई जगह होती है। तो गांव में तो क्या है, पहले के ज़माने में कोर्ट कचहरी नहीं थी, पंचायत बुलाई जाती थी कि गांव का जो मुखिया होता है वो गांव के लोगों की समस्या सुने, फिर जो सच्चा है उनके न्याय में फैसला सुनाए और वहाँ पर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते थे। तो पंचायत के भी जो महत्वपूर्ण निर्णय होते थे, जो फैसले किए जाते थे, वो भी इस बरगद पेड़ के नीचे ही किए जाते थे। बरगद का वृक्ष तेजी से बढ़ता है। बनियन ट्री यानी कि बरगद का जो वृक्ष है उसको हम उगाते हैं तो उसका ग्रोइंग जल्दी से हो जाता है, वो जल्दी से उगने लगता है यानी कि वो जल्दी से बढ़ने लगता है। इसे फाइकस बेंगालेंसिस भी कहा जाता है। इसका बीज कहीं भी पनप कर लंबी चौड़ी जड़ें फैला देता है। बनियन का जो बीज है वो कहीं पर भी हम बोए तो उनकी लंबी चौड़ी जड़ें मतलब उसकी जो जड़ें होती है ना वो जल्दी से फैलने लगती है। इसकी जड़ें कालांतर में मोटी और मजबूत होकर अपने आश्रय स्थल को भी छोड़ देती है। इसकी जड़ें कालांतर मतलब पहले के समय में जड़ें मजबूत होकर अपना आश्रय स्थल छोड़कर कि मतलब जहाँ बनियन ट्री के बीज को हमने बोया था वो जगह पे छोड़कर उनकी जड़ें और कहीं दूर दूर निकलती है। इस पेड़ की शाखाओं से फूटी जटाएं नीचे लटक कर पुनः जमीन में घुसकर तना व जड़ें बन जाती है। आपने देखा है कभी
बनियन ट्री, देखो यहाँ आपको मैंने जो पिक्चर शेयर किया है ना उसमें बनियन ट्री आपको दिख रहा है, और उसकी जो टहनियाँ, उनकी शाखाएं, उनकी जो डाली है उनमें से देखो ऐसे लटकता हुआ आपको नजर आता होगा। तो यहाँ हमें क्या बताया गया है कि उनकी जटाएं लटक कर, मतलब उसकी जो शाखाएं, उनकी जो डाली है उनमें से वो जो जटाएं निकली हुई है वो नीचे लटकती लटकती फिर से जमीन में, जमीन तक कहाँ पहुंची है, और जमीन से भी लंबी होकर फिर से जमीन में जाकर वो जड़े बनती है, और वहां से फिर दूसरा नया बनियन ट्री उगना स्टार्ट हो जाता है। फिर इन पर नई डालियां पनप कर मोटी हो जाती है। देखो पहले जड़े लग जाती है जमीन में, फिर धीरे धीरे उसका उगना स्टार्ट हो जाता है, फिर उनमें धीरे धीरे नई डालियां आती है, और वो डाली में से फिर से बनियन ट्री यानी कि बरगद का वृक्ष बनने लगता है। इस वृक्ष को पौधशालाओं में बीज अथवा कलम लगाकर भी बढ़ाया जाता है। देखो इस वृक्ष को किस तरह उगाया जाता है कि पौधशाला, यानी कि अगले लेक्चर में मैंने बोला था पौधशाला मतलब हम इस समय में कि उसको किस नाम से जानते हैं, नर्सरी, कि पौधशाला यानी कि नर्सरियों में उसके बीज लाएंगे, अदरवाइज उसकी कलम यानी कि बीज को थोड़ा उगा कर उसका थोड़ा जो ग्रोइंग अप, वो थोड़ा उगकर छोटा बन जाता है ना, फिर हम उसको लगा कर उसमें से हम बनियन वृक्ष, बरगद का ट्री हम बना सकते हैं। बरगद के पेड़ में फूल नजर नहीं आते। देखो ये बरगद का जो वृक्ष है, बरगद का जो पेड़ है उसमें कहीं फूल उगते ही नहीं है, सीधे फल ही होते हैं, उनमें डायरेक्ट सीधे फल बैठ जाते हैं। वस्तुतः फूल गुलेर के मोटे गुदे के नीचे छिपे रहते हैं, इसके जो फल होते हैं वो हमें दिखते नहीं है। ये जो बनियन ट्रीज के लीफ होते हो ना उनके नीचे छोटे छोटे गुदे के तरह वो छिपे रहते हैं। गुलेर में छिलका नहीं होता तथा ये लाल बेरी की तरह जोड़ी में उगते हैं। देखो इसमें छिलका नहीं होता है और ये बंचिस में, मतलब एक नहीं एक से ज्यादा मात्रा में एक ही साथ उगते हैं, जैसे ग्रेप्स कैसी होती है उसी तरह की, ग्रेप्स एक एक थोड़ी ग्रो होती है, ग्रेप्स का तो पूरा बंच होता है, तो उसी तरह ये उगते हैं। इसमें असंख्य छोटे छोटे फूल तथा छोटे छोटे कीड़े विद्यमान रहते हैं। ये जो फल उगता है उनके बीच छोटे छोटे फूल जैसे हमें दिखाई देते हैं, और उनमें बहुत ही छोटे छोटे कीड़े, मतलब ये एकदम पक कर बन जाता है ना तो उसमें थोड़े कीड़े हमें दिखाई देने लगते हैं। ये कीड़े गुलेर के शीर्ष पर स्थित छेद में से भीतर प्रविष्ट होने लगते हैं। ये कीड़े गुलेर के शीर्ष, मतलब ये जो फल है उनका हेड होता है, मतलब ऊपर का भाग, वहाँ स्थित, वहाँ जो होल होता है वहाँ से भीतर मानी यानी कि वहाँ से अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ अंडे देते हैं। ये कीड़े अन्य गुलेरों में प्रविष्ट होकर वंश वृद्धि करते हैं। देखो उनमें जो ये जम्स होते हैं, मतलब ये जो कीड़े हमें बताया गया है कि इनमें कीड़े उत्पन्न होते हैं, तो वो जो कीड़े होते हैं ना ये गुलेर के शीर्ष, मतलब ये बनियन वृक्ष में जो छोटे छोटे फल लगते हैं ना उनका जो ऊपरी हिस्सा होता है उनमें ऊपर एक छेद होता है, उसके अंदर जाकर वो अंडे देते हैं, और अंडों के माध्यम से वो वंशवृद्धि, मतलब अंडा धीरे धीरे फूटकर उनमें से कितने सारे जम्स निकलते, मतलब वो जो कीड़ा होता है उनके बच्चे होते हैं और फिर वो भी बड़े होकर कीड़े बन जाते हैं, तो उसी तरह उनकी वंशवृद्धि होती है। ये गुलेर का फल फरवरी और मई के बीच में पकते हैं। ये जो फल आते हैं बनियन वृक्ष में वो फरवरी और मई महीने के
बीच में आते हैं और पकते हैं। बरगद वृक्ष के कई उपयोग हैं। यहाँ पर हमें बरगद वृक्ष, बरगद पेड़, बनियन ट्री के हमें कितने उपयोग बताए हैं। इसकी लकड़ी पानी में गलती नहीं। देखो, हमें कोई भी लकड़ी पानी में डालो ना, तो थोड़े दिनों या थोड़े वक्त के बाद वो पानी में रहकर सड़ जाती है, तो जैसे ही हम उसको पकड़े ना तो टूट जाती है। लेकिन ये बरगद वृक्ष की जो लकड़ी है वो पानी में गलती नहीं, जैसी डाली वैसी रहती है। अतः कुओं के भीतर पड़ी रस्सी के काम आती है। आपने कुआं देखा होगा, कुएं में से बाल्टी डालकर किस तरह पानी हम निकालते हैं कि एक रस्सी से बाल्टी डालो, फिर उसमें से उसका जो ऊपर का राउंड होता है उसमें से रस्सी अच्छे से उसमें फिक्स करो, फिर धीरे धीरे कुएं में बाल्टी उतारो, फिर जैसे कुएं के पानी तक बाल्टी पहुंची, पानी भर गया, फिर उस रस्सी को हम खींचने लगते हैं। तो वो रस्सी के उपयोग में भी बरगद का वृक्ष प्रयोग में लिया जाता है। इसकी लटकती हुई जड़ों में से एक मोटा रेशा प्राप्त होता है। देखो, मैंने आगे आपको बताया कि इनकी जो जड़ें हैं उनकी जो ये बनियन ट्री के लेब्स है उनमें से जो जटाएं बाहर निकली हुई है उनमें से मोटे रेशे प्राप्त होते हैं। इसका प्रयोग रस्सी बनाने में होता है। वो इतनी मजबूत है कि उनसे रस्सी यानी कि रोप बनता है। इसके पत्तों से पत्तल एवं दोने बनते हैं। देखो, ये बरगद का जो वृक्ष है ना, उसके पत्तों से पत्तल, पहले के जमाने में ऐसे धातु यानी कि मेटल के बने हुए हमारे खाने के डिशेस, बाउल्स नहीं थे। पहले के ज़माने में स्टील के, पीतल के, तांबे के बर्तन नहीं हुआ करते थे, कि जैसे हम अभी आजकल तो मेलेमाइन और कांच का ज़माना गया, तो ऐसे पहले नहीं हुआ करते थे। ये जो बड़े बड़े वृक्ष होते थे उनके जो बड़े बड़े पत्ते हुआ करते थे उनको सोई धागे की तरह, उसी तरह छोटी छोटी उसकी जो होती है ना जड़े में से निकली हुई छोटी छोटी डालियाँ, उसको सुई धागे की तरह सीकर दो दो पत्तों को जोड़कर ऐसे उसको थाली की तरह पतल बनाते थे, और दोना मतलब बाउल शेप का वो बनाकर उसमें खाना खाते थे। तो यहाँ बताया गया है कि बरगद वृक्ष के पत्तों से पतल एवं दोने बनते हैं। इसके दूध से एक विशेष प्रकार का चूना बनाया जाता है। आप बरगद के वृक्ष के पत्तों को तोड़ोगे ना तो उसमें से दूध जैसा एक प्रवाही निकलेगा, उससे एक विशेष प्रकार का चूना बनाया जाता है जो कई प्रकार के दर्द का निवारक होता है। जो चूना बनता है वो कई प्रकार के जो दर्द होते हैं उसमें वो उपयोग में लिया जाता है। इसका प्रयोग कई औषधियों में किया जाता है। ये जो चूना बनता है उसका प्रयोग, उसका उपयोग कई औषधियाँ मतलब देसी दवा बनाने में भी किया जाता है। बरगद की छाल का अर्क मधुमेह रोग में रामबाण का काम करता है। बरगद की जो छाल है उसका अर्क यानी कि रस मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग जो होता है उसमें रामबाण का काम करता है। मतलब किसी को भी डायबिटीज की बीमारी हो और वो बरगद के वृक्ष की छाल का रस पिए ना तो उसको डायबिटीज में बहुत ही फायदा मिलता है। भारतीय ग्रामीण जीवन में बरगद का बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। हमारे भारत देश की संस्कृति है उसमें ग्रामीण जीवन मतलब विलेजेस लाइफ जो होती है, कि हमारे भारत में सिटी के साथ साथ हम बोले ना कि गांव ज़्यादा है, तो वो गांव जीवन जो है, ग्रामीण जीवन जो है उसमें बरगद वृक्ष का बड़ा ही महत्व रहा है। लोग उसे बहुत ही महत्व देते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आशा रखती हूँ आपको मज़ा आया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।